भव्यता से खंडहर, खंडहर से भव्यता की ओर का सफर। चंबल के बीड़ों में मंदिरों का समूह के खंडरों की एक अनसुलझी पहेली। यहाँ था खूंखार डाकुओं का बसेरा, जहाँ आने से भी लोग डरते थे। अब है मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन क्षेत्र। आखिर क्यों है इतने सारे मंदिर एक ही स्थान पर? मंदिरों के पुनर्जन्म की कहानी। आखिर कैसे ये भव्य मंदिरों का समूह खंडरों में तब्दील हो गया? एक यात्रा बटेश्वर के लिए। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ऐसे मंदिरों के समूह दिखाने ले जा रहा हूँ जो आज जिस दशा में आपको देखेंगे वो पहले ऐसे नहीं थे। ये खंडरों के रूप में टूटे बिखरे पड़े थे। इनको आज जिस दशा में लाने का पूरा श्रेय जो है पुरातत्व विभाग के अथक प्रयासों को दिया जाता है। ये मंदिर समूह मध्य प्रदेश राज्य के से लगभग 35 किलोमीटर दूर मुरैना शहर के नजदीक पड़ावनी नामक जगह पर स्थित है। मंदिर समूह में प्रवेश करते ही चारों तरफ हरा भरा उद्यान नजर आता है। ये मंदिर समूह लगभग 25 एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं जो शिव, भैरव एवं शक्ति। बटेश्वर के यह मंदिर लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य के बताए जाते हैं। इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजाओं द्वारा कराया गया। बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी के आसपास भूकंप अथवा विदेशी ताकतों ने द्वारा इन मंदिरों को नष्ट कर दिया तथा खंडहर में तब्दील कर दिया। अभी जो आप देख रहे हैं ये इनका पुनर्जन्म है, दोबारा बनाए गए। ये ऐसे नहीं थे। सन 2005 से पहले आप देखें अगर इनकी पुरानी तस्वीरें तो ये पूरे के पूरे खंडहरों में तब्दील हो चुके थे। ये देखिए इस तरीके, अभी ये देखिए बिल्कुल खंडहर में तब्दील थे। यहाँ था राज्य डाकू सरगना निर्भय गुर्जर का। सन 2005 के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने इनको पुनः जीवित करने का प्रयास शुरू किया। इनके अथक प्रयासों के बाद आज हम इनको पुनः जीवित होते हुए देख रहे हैं। अभी हाल में कुल 70 से 80 मंदिरों को पुनर्निर्मित किया जा चुका है। इनको पुनर्जीवित करने का पूरा श्रेय भारतीय पुरातत्वविद पद्मश्री के मोहम्मद एवं उनकी टीम को जाता। आप देखिए बिल्कुल इस तरीके से खंडर पड़े हुए थे। आप कल्पना कीजिए इन मंदिरों के खंडरों के ढेर में से पजल की भांति इनको टुकड़ों को सही जगह बैठाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे मंदिरों का समूह पूजा प्रतिहार काल में क्यों बनवाए गए? मध्य में ये आप तालाब देखेंगे, तालाब के पास ही एक हनुमान की मूर्ति है। मुखी मूर्ति भारत में अपने आप में अनोखी है, इकलौती है, जिसमें हनुमान के पैरों तले कामदेव और रति दबे हुए हैं। मंदिर के मुख्य में ये बड़ा सा मंदिर है जिसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर हैं। ये आप देखेंगे दो मंडप है, एक मंडप नीचे की ओर है, दूसरा इसके ऊपर सदा हुआ है। ये भी एक अद्भुत जो है बनाता है इस बटेश्वर मंदिर के समूहों को। यहाँ सारे मंदिर शिव एवं शक्ति को समर्पित है। ये मंदिर समूह लगभग 25 एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं जो शिव, भैरव एवं शक्ति को समर्पित है। ये देखिए पूरे खंडहर जो अभी पुनर्जीवित किए जा रहे हैं हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा। ये मुख्य मंदिर, इसकी नक्काशीदार दीवारें बहुत ही सुंदर आकर्षित करती हैं। इस जगह को कुछ लोग बटेश्वरा या भूतेश्वरा भी कहा जाता है। यहाँ शिव के साथ साथ विष्णु मंदिर के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये देखिए विष्णु भगवान के अवशेष। कहा जाता है कि विष्णु कदम, विष्णु चरण, ये उनके प्रतीक चिन्ह जो कि इन मंदिरों में पाए गए हैं। एक समय था जब यहाँ पहुंचना भी मुश्किल हुआ करता था। कच्चा उबड़ खाबड़ रास्ता ना के बराबर, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल भरा सफर हुआ करता था। परंतु आज यह जगह पर्यटकों के लिए सुरक्षित एवं सुगम है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने यहाँ पर साफ सुथरी शौचालय, पार्किंग की व्यवस्था एवं खाने पीने
पीने के पानी की व्यवस्था भी की हुई है। और ये आज जो हम देख रहे हैं इसका सौंदर्य बता भी नहीं सकते। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अतुलनीय मंदिरों की एक श्रृंखला जिन्हें देखकर मन गदगद हो जाता है और साथ में पुरातत्व विभाग को धन्यवाद देता है कि उन्होंने इन खंडरों को दोबारा जीवित करने का प्रण दिया और उनको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए पुराने मंदिर जो कि अब दोबारा से अपने पुनर्जन्म की ओर बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर मंदिरों का समूह। अगर आपको ये सफर यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ फिर नए वीडियो में किसी नई जगह पर। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको जल्दी ही मेरे नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।